जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद 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 सुधाकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के लोगों ने समर्थन दिया आपको चुनाव में, क्या कहेंगे? सुरदेव समाज सम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी हमारे यहाँ मौजूद हैं। माननीय बलिराज राजभर जी मौजूद हैं, पूरी उनकी कमेटी है और सारे लोग इकट्ठा होकर के इनकी प्रदेश स्तर की पार्टी है। महेंद्र यादव महेंद्र राजभर जी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं जब सब लोग एक थे, लेकिन आजीज होकर के परेशान होकर के इन्होंने अलग पार्टी बनाई जो आज प्रदेश के राजभर आज महेंद्र राजभर के साथ है। आपको कितना फ़ायदा मिलेगा इससे, इस चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? हमने आपको पहले ही कह दिया कि हमारी जब लड़ाई किसी से है ही नहीं तो फायदा नुकसान का क्या है। अभी आ जाएंगे तो अब क्या होगा, अब क्या लड़ेंगे, कोई कहीं पता नहीं चलेगा इनका। ओमप्रकाश राजभर राजभर के नेता माने जाते हैं, ओमप्रकाश राजभर राजभर के नेता माने जाते हैं, तो क्या राजभर समाज अपने केवल पुत्रों के नेता है? सपा पे आरोप लग रहा है कि स्याही फेंकवाई है, आपके ऊपर भी आरोप लगा है? जो सरेंडर किया है उसने साफ बयान के सुना होगा उसने कि यह भाजपा के लोगों ने ही कहा था फेंक दो हम बचा लेंगे और उनके कहने पर मैंने फेंका। जब वही बयान दे रहा हूँ तो मैं क्या कहूँ? तो खुलासा तो हो गया कि भाजपा का कोई रोल नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव जी के साथ उसका फोटो भी वायरल हो रहा है उस युवक का। किसका? उस युवक का, आरोपी का, अभिमन्यु यादव का फोटो तो किसी का किसी हमारा सा हमारा भी फोटो बड़े हिंदुस्तान के हर दल के नेताओं से, तो नेता क्या जानता है कि कौन हमसे फोटो खिंचा रहा है? लोग आते हैं सड़ जाते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं, तो नेता को क्या पता? हमारे इतना लोग जुटे फोटो खींच रहे हैं, हम किसको क्या जानते हैं कि कोई इसमें वैसा भी व्यक्ति है। दारा चौहान सामाजिक कार्यकर्ता है, मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले निंदा किया और हमने भी उसकी सबसे पहले निंदा किया, लेकिन जब पोल खुल गया कि भाजपा के लोगों ने ही इसको कराया है तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े टिकड़ा बाज हैं लोग। जगह जगह आपका पुतला फूंक रहे हैं भाजपा के लोग। हमारा पुतला फूंक देंगे तो एक बार तो और कोई फूका था तो हम तुरंत मेले हो गए थे। हमको कहा उसकी चिंता है, पुतला फूंक देंगे तो हमारा प्रचार कर रहे हो, हमारे सब चिंता का है। ठीक है, मैं डॉक्टर बलिराज राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। आज हमारे नेतृत्व हम लोगों के नेता माननीय महेंद्र राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम लोगों के पार्टी के, आज सर्वसम्मति से जो उपचुनाव घोषिका हो रहा है उसमें बहुत ही जमीनी नेता हैं हम लोग बड़े भाई सुधाकर सिंह जी, जिन्होंने जब से राजनीति 42 साल से राजनीति कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं का आपने स्नेह प्रेम पाया है और घोसी की आवाज़ भी है कि घोसी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, कैंडिडेट जीतना चाहिए जिसके तहत इनसे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं है। क्या वजह आ गई समर्थन देना पड़ा? कोई वजह नहीं, इनकी मासूमियत, इनको इनकी कार्यकर्ताओं में पकड़ और जो जिस तरह का इनका सहयोग रहा है सभी कार्यकर्ताओं को जनता को एक तरफ से आवाज़ आ रही सुधाकर सिंह उसी के तहत अच्छे नेता का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आपने भी तो अपना कैंडिडेट उतारा था, आपने देखा ही शासन के इशारे पर यहाँ जो दो नेता हैं माननीय दारा सिंह जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिनके गड़बड़ी की वजह से यहाँ से जाना, जिस दिन हमारे कैंडिडेट माननीय अरविंद राजभर जी ने पर्चा भरा था उसी दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ जाकर के शासन के ऊपर दबाव बना करके